हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप लोग जागरूक बने। किसी भी बीमारी, चाहे छोटी से छोटी ही बीमारी क्यों न हो या कोई गंभीर बीमारी, आप किसी भी मेडिकल पर बिना किसी डॉक्टर के सलाह के दवा लेने की बजाय अपने डॉक्टर से सलाह के बाद ही किसी भी दवा का सेवन करें। कभी कभी बिना सलाह के अपनी मर्जी से दवा खाने से कुछ समय के लिए आपको आराम तो मिल सकता है, परंतु पूरी तरह ठीक नहीं होता। इसलिए अपनी सेहत को लेकर लापरवाह ना बने, बल्कि जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। मैं डॉक्टर अख्तर अंसारी एज अ जनरल प्रैक्टिशनर भिवंडी शहर में 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आप लोगों ने आवाम की, पब्लिक की अवेयरनेस के लिए एक अच्छा मुहिम चलाई है। उसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं भिवंडी शहर में 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, और इन 15 सालों में मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये एक्सपीरियंस किया है कि यहां पर भिवंडी में जो ज़्यादातर आबादी है वो बैरूनी शहर से माइग्रेट करके आई हुई है रोज़ी रोटी के सिलसिले में। इसलिए यहाँ पर जो पब्लिक है वो ज़्यादातर अनएजुकेटेड है, लिटरेसी बहुत कम है, लिटरेट पब्लिक ज़्यादा है, और उसकी वजह से प्रैक्टिस में हमारे सबसे पहले ये दिक्कत आती है कि जब कोई भी पेशेंट या कोई शख्स बीमार होता है तो वो सबसे पहले मेडिकल स्टोर पर जाता है दवा लेने के लिए। वो समझता है कि मुझे सिर्फ सर दर्द हुआ है, बुखार आया है, मेडिकल स्टोर से दो टेबलेट ले लूँगा, वो ठीक हो जाऊँगा। वो ये नहीं समझता कि ये सर दर्द और बुखार मुझे किस बीमारी की वजह से हुआ है। वो मेडिकल स्टोर पर जाता है, दो टैबलेट लेता है दर्द की, मेडिकल स्टोर वाला भी उसे गाइड करने की बजाय कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर को बताओ आप, वो कटिंग करके दो टैबलेट दे देता है। वो टैबलेट खाने के बाद उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, वक्ती तौर पर उसके अलामत थोड़ा सा सर दर्द और बुखार कम होता है और पेशेंट समझता है कि मैं ठीक हो गया। पर होता है इसके बरक्स है, क्योंकि बीमारी तो ठीक नहीं हुई है कि सिर्फ उसके अलामत और सिम्टम्स कम हुए, दो तीन दिन के बाद में उसे फिर तकलीफ़ होती है और फिर वो सोचता है कि किसी डॉक्टर को बताना चाहिए, फिर वो डॉक्टर के पास आता है। तो हम डॉक्टर्स को सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये होता है कि उसको डायग्नोस करने में प्रॉब्लम होता है कि उसकी बीमारी क्या हुई, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी दवा खा चुका है। यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर वाले एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दवाएँ उनको दे देते हैं, तो बीमारी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाती है। उसके बाद जब हम उसे दवाई देते हैं, और कोई भी बीमारी का कोई कोर्स होता है दवा का, जैसे मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, निमोनिया हुआ, तो दवाओं का कोर्स होता है। जब पेशेंट को समझाया जाता है कि आप पूरा 5 दिन या 7 दिन या 14 दिन दवा का कोर्स करिएगा, पूरा इलाज करिएगा, तो पेशेंट उस बात को नहीं मानता है और 1-2 दिन दवा लेने के बाद वो ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर देता है। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी बीमारी जो है वो ठीक नहीं होती पूरी तरह से, और वो प्रॉब्लम जो कि पेशेंट सोच रहा था कि मेरा पैसा बच जाएगा इसकी वजह से, उसे दोबारा वो प्रॉब्लम होता है और फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास आता है, और ये सिलसिला दिन ब दिन महीनों चलता रहता है, और एक बीमारी को ठीक होने के लिए महीनों लग जाते हैं। जो बीमारी 3 दिन में 5 दिन में या 7 दिन में ठीक होना चाहिए, उस बीमारी को ठीक होने में महीनों लग जाते हैं। और उससे दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि बार बार दवाएँ खाने से हमारी बॉडी उस दवा से रेजिस्ट हो जाती है और वो फिर दवाएँ काम करना बंद कर देती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी बीमार हों या जब भी आपको कोई तकलीफ़ हो, आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से रुजू करें, और वो जो आपको मशवरा करते हैं, वो आपको जो ट्रीटमेंट देते हैं, वो ट्रीटमेंट मुकम्मल करिए, और वो जो आपको परहेज़ बताते हैं वो परहेज़ आप मुकम्मल करिए। प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन ट्रीटमेंट, तो वो आप परहेज़ मुकम्मल कीजिए, डॉक्टर की बात को फॉलो कीजिए, तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी, मुकम्मल ठीक होगी, और दोबारा उसके रिप्लेस होने के या रिलैप्स होने के चांसेस बहुत कम होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत है तो सब कुछ है। और यहाँ पर भिवंडी शहर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि लोग सेहत के ऊपर सबसे कम ध्यान देते हैं।
और बाकी लग्जरियस चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर वो बहुत कम ध्यान देते हैं। तो मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप के हेल्थ पर ध्यान दीजिए, उसे अच्छा रखिए और बी हेल्दी। थैंक यू।